नमस्कार, स्वतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। गणपति बप्पा मोरिया, देशभर में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणपति बप्पा का आगमन घरों और पंडालों में हो चुका है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस खास मौके पर गणेश जी के मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। इतना ही नहीं, लोगों ने बप्पा के खूबसूरत और अनोखे पंडाल भी बनाए हैं। मुंबई में सिद्धि विनायक और लाल बागचा राजा पंडाल से अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहले मुंबई, उसके बाद गुवाहाटी, हुबली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके बाद देखिए ठाणे की तस्वीर, पूरी से तस्वीरें सामने निकल कर आई, जो उसके बाद देखिए लुधियाना से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई है। देखिए अगले 10 दिनों तक गणेशोत्सव चलेगा देश भर में। गणपति का स्वागत किस तरह से किया गया, उसकी ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और सिर्फ ये 6 तस्वीरें ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। ये मुंबई से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव चलेगा और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव। आपको बताते कि गणेश उत्सव को लेकर पहले से ही देश भर में तैयारियां शुरू कर दी गई थी। और वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी गणेश पूजा में शामिल होकर बप्पा की आराधना की। कोलकाता के महाराष्ट्र भवन में आयोजित गणेश पूजा में ममता बनर्जी शामिल हुई। ममता दीदी ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी। गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ ही देश भर में गणपति बप्पा का आगमन हुआ। वहीं मुंबई में बप्पा का अलग ही अवतार नजर आया, जहां गणपति बप्पा पुलिस की वर्दी में नजर आए। पुलिस की वर्दी के साथ बप्पा के हाथ में मोबाइल फोन भी है, कमर पर रिवॉल्वर है। बप्पा की मूर्ति के साथ कई तरह की सावधानी लिखी है। ये सावधानी लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए है। पुलिस बप्पा की ये स्थापना अंधेरी इलाके में विले पार्ले पुलिस स्टेशन के अधिकारी राजेंद्र काने ने अपने घर पर की है। उन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों को सावधान करने के लिए बप्पा को पुलिस की वर्दी में दिखाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बप्पा में सभी की श्रद्धा है, सभी बप्पा की बात मानते हैं, इसीलिए बप्पा को पुलिस की वर्दी में दिखाया गया है, ताकि मुंबई में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड के चलते लोगों को सावधान किया जा सके। मेरा पुलिस बप्पा लाने का कंसेप्ट ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाने का, फिर वो क्राइम के बारे में रहे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में रहे, और इस बार हमने लाया वो साइबर फ्रॉड के बारे में, जो साइबर फ्रॉड ज़्यादा तरीके से बढ़ रहे या लोग उसमें जो फंस रहे जैसे, तो उनको सावध करने का मेरा बप्पा इस बार प्रयास कर रहा है। और उसके लिए उसने एक मराठी में गाना लाया है, सावध रहा, और उस गाने के थ्रू बता रहा है कि कैसा तुम्हारा फ्रॉड होता है, डेबिट कार्ड बंद होने वाला है, क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, ATM कार्ड आपका बंद होने वाला है, या मोबाइल का कार्ड बंद होने वाला है, KYC की इन्फॉर्मेशन रही है, OTP कुछ मांगे, तो ऐसी कोई चीज़ें फ़ोन के ऊपर आपसे कोई मांगता है तो आपकी पर्सनल जानकारी नहीं देना चाहिए। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप जाके फिजिकली बैंक में या जो भी रहेगा स्थापना में जाके इंक्वायरी करना चाहिए, ऐसा बप्पा का कहना है। मैं एक इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर हम पुलिस काम करते टाइम हमें बहुत बार समाज सेवा होती है हमारे यहाँ से, तो उसी हिसाब से मैंने कंसेप्ट लाया है कि अपने कुछ जो लोगों में गणपति के बारे में बहुत भावना है, आदर है, तो हमने ऐसा सोचा कि गणपति के थ्रू हम कुछ संदेश देंगे तो लोगों तक वो पहुँचेगा और लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। और वहीं राजधानी दिल्ली में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली। साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल में देश के कई मंदिरों के 5,200 दियों से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। जनतंत्र टीवी संवाददाता निखिल कुमार ने यहां का जायजा लिया, देखिए। पूरे
देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। बता दें कि यह गणेश उत्सव 10 दिनों तक चलने वाला है। इस वक्त हम दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल में मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 5200 यानी कि अलग अलग मंदिरों से 5200 दिए लाए गए हैं। 5200 दिए यहाँ पर लगाए गए हैं और उन्हीं दियों से यहाँ पर एक गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। एक कर सकता केंद्र है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं काफ़ी संख्या में, सेल्फी भी ले रहे हैं। बता दें कि पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आज गणेश चतुर्थी है और आज से ही लोग मॉल, घर और अपने अपने ऑफिस में गणेश जी की जो मूर्ति है उसे विराजमान कर रहे हैं। और 10 दिनों बाद जो कि गणपति बप्पा को जिस तरीके से नदी में यानी कि यमुना नदी में अलग अलग जगहों पर उन्हें विसर्जन के लिए लिया जाता है, ये तस्वीर देख सकते हैं। ये कितनी आधुनिक यानी कि दीपक इको फ्रेंडली है मूर्ति है भगवान गणेश की, किस तरीके से देख सकते हैं। ये जो दीपक है मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो दीवले होते हैं अलग अलग दिल्ली के मंदिरों से, यहाँ पर दीपक के बाद यहाँ पर ये मूर्ति को बनाया गया। ये इको फ्रेंडली मूर्ति है, देख सकते हैं। बता दें कि पूरे देश भर में गणेश महोत्सव की धूम है। सबसे ज़्यादा खासकर तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर गणेश उत्सव की धूम है और यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में सेल्फी लेने आ रहे हैं भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे, क्योंकि एक मूर्ति अपने आप में एक अनूठी मूर्ति है, आधुनिक मूर्ति है। क्योंकि देख सकते हैं किस तरह से दियों से यानी कि जो दीपक होते हैं, दीवले होते हैं, उनके द्वारा इस गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना लोगों में हर्षोल्लास है, काफ़ी लोग भी खुश हैं और काफ़ी संख्या में सेलेक्ट सिटी मॉल में लोग इस मूर्ति को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। गाजियाबाद में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली, जहां पर गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई और पंडाल में बप्पा को स्थापित किया गया। यहां रंग बिरंगी लाइटें लगाकर गणेश पंडाल को सजाया गया। जनतंत्र टीवी संवाददाता सुनील गौतम ने यहां का जायजा लिया है, देखिए। महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में जो है गणेश चतुर्थी को लेकर पूरा उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में मौजूद हैं, गाजियाबाद में जहां आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो गणेश चतुर्थी है बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और यहां पर आज जो है गणेश जो है आज विराजमान हुए हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बात करें किस प्रकार से जो है ये मनाते हैं इस त्यौहार को। और हिंदुओं का ही एक बड़ा ही त्यौहार ये एक माना जाता है, जिसमें करीब महाराष्ट्र में तो लगातार बहुत भीड़ होती है पर लेकिन पूरा देश जो है उत्साह से मनाता है। कुछ बात करें, कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित बजरंगी है। अच्छा, तो किस प्रकार से आप मनाते हैं और कितना उत्साह है इस पर्व को मनाने के लिए? इस पर्व को हम 2 साल से मना रहे हैं, बहुत ही इच्छा के साथ गरीब वासियों की, और हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हमने मूर्ति दिल्ली से ले आए हैं, दिल्ली के बाज़ार से लाए हैं, बहुत अच्छी पसंद कर, और आज यात्रा भी निकाली है सुबह, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और पूजा पाठ के लिए भी काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, गली से बाहर से भी आ रहे हैं दर्शन के लिए। तो बड़ा उत्साह ही नज़र आ रहा है लोगों में। करीब 2 वर्षों से कोविड के चलते जो है कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था पूरे देश में, पर लेकिन इस बार जो है पूर्णतः जो कोविड की है उस पर रोक लगा दी गई है और इस बार जो है गणेश जो चतुर्थी है बड़े धूमधाम से लोगों द्वारा मनाई जा रही है। बात करें, कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोविड-19 के चलते जो है 2 साल से रोक लगी थी, अब इस बार जो है रोक खुली है, कितना उत्साह है लोगों में? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि 2 साल तक कोविड में सभी अपने घर बैठे थे, तो सबसे ज़्यादा यही इंतज़ार कर रहे थे बाबा का जो भी प्रोग्राम आता है, 2 साल में अब हो रहा है। तो भीड़ तो काफ़ी आती होगी यहाँ पर, तकरीबन कितने लोग जमा हो जाते हैं जैसे अब आसपास के इलाके में? अब यहाँ पर जैसे आपने विसर्जन इस बार जो है गणेश जी की मूर्ति जहाँ विराजमान की है, तो सर सुबह सुबह जब शोभा यात्रा निकाली थी उस टाइम पर काफ़ी भीड़ थी, सब कुछ था, और बहुत उत्साह के साथ में मना रहे हैं, तो भक्तों की तो भीड़ होनी चाहिए इस चीज़ में। करीब कितने भक्त होंगे जो यहाँ पर? मिनिमम 200-300 भक्त होंगे जो अपने उस समय शामिल हुए सुबह सुबह। आज शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई थी, करीब कितने लोग होंगे? 250 आदमी तो हैं, 250-300 आदमी। तो इस बार कोविड के चलते बंद थे, तो इस बार खोली गई है यात्रा, आपने विसर्जन यहाँ पर रखे हैं जैसे गणेश जी, क्या मन्नतें हैं किस प्रकार से? हो बच्चे शांति से रहे, अच्छा वो करे व्यवहार, और शांति से रहे, सुख शांति रहना चाहिए सब। हाँ, तो देख सकते हैं आप साफ तौर पर लोगों में बड़ा उत्साह है इस वक्त जो है। देखिए गणेश जी है वो यहाँ पर विराजमान है फिलहाल, आज यहाँ पर जो है इनकी मूर्ति जो है रखी गई है और 7 दिन तक कार्यक्रम जो है पूरा चलेगा, उसके बाद जो है इनको विसर्जन किया जाएगा और उसमें भी बड़ा कार्यक्रम जो है इनके द्वारा किया जाता है, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, कई लोगों के द्वारा इनको विसर्जन किया जाता है। मैं जनतंत्र टीवी के लिए गाजियाबाद से सुनील गौतम।
और वहीं मुंबई के लाल बादशाह राजा की तर्ज पर ताजनगरी आगरा में मलकेश्वर के बादशाह की अपनी अलग पहचान है। यहां 5000 किलो वजन और 23 फीट ऊंचाई की गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित की गई है। जनतंत्र टीवी संवाददाता कपिल अग्रवाल ने यहां का जायजा लिया है, आप भी देखिए। कोरोना के बाद लगभग 2 साल बाद इस बार जो है गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से होने जा रहा है। जी हां, मुंबई के लालबाग के बादशाह की तर्ज पर आगरा के बलकेश्वर में भी बलकेश्वर का बादशाह स्थापित किया गया। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि पार्वती के लाल, गौरी के लाल और गणपति बप्पा की स्थापना 2 साल बाद बलकेश्वर में की गई है। ये अपने आप में एक अलग ही तरह की प्रतिमा है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। वजन 5000 किलो से ज्यादा है तो वहीं इसकी ऊंचाई 23 फीट है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि ये मूर्ति पूरी तरह से जो है इको फ्रेंडली बनाई गई है, जिसमें जो चिकनी मिट्टी, गोबर और अन्य तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि वातावरण के हिसाब से ये मूर्ति पूरी तरह से परफेक्ट है। हमारे साथ कमेटी के कुछ सदस्य मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और कब से ये किया जा रहा है। हाँ जी, मैं रविंदर महेंद्रू और इस महोत्सव कमेटी से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही एक कमेटी ऐसी है जो बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महोत्सव में हमारे गणेश जी हैं, ये 15वां जो हमारा साल है लगातार, बीच में 2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसको हमें सूक्ष्म रूप देना पड़ा, लेकिन जब सब चीजें नॉर्मल होती ना तो बाबा ने अपने आप अपनी ऊंचाई को फिर प्राप्त किया है। शुरुआत एक यहाँ से बहुत पुराने गणेश जी थे जो अपने बलकेश्वर पर रखे जाते थे, गणेश के नाम से जाने जाते हैं। लालबाग के राजा मुंबई में जो है क्या है उनका विशाल रूप, कमला नगर बलकेश्वर के राजा है। स्वागत आप पूछे मत ही, मैं तो स्वागत आपको बताऊं, वर्णन करूं कि जैसे ही मूर्ति जैसे यहाँ पे आई थी तो पूरा मोहल्ला, मतलब पूरी गलियां जो भी थे सबको पता लगा, ढोल नगाड़ों से बाबा आए, आगमन हुआ है। तो ये तो बाबा के दर्शन करने के, क्योंकि 2 साल बाद ये प्रोग्राम दोबारा चालू हुआ है, तो बाबा के दर्शन करने के लिए हुजूम उमड़ा, बाबा के दर्शन करने के लिए ऐसी कृपा हुई, बाबा का आशीर्वाद मिला। और संग में सबसे बड़ी बात ये है, इको फ्रेंडली मूर्ति है, इसमें किसी भी माता माता गंगा को, यमुना को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये थे कमेटी के लोग जो बता रहे थे कि ये प्रतिमा जो है अपने आप में बिल्कुल अलग है, पूरे प्रदेश में इससे बड़ी और इससे बजनी प्रतिमा कहीं नहीं है। जनता टीवी के लिए आगरा से अपना प्रभाग।